देखिए, एक पंडित जी ने बड़ा ही गंभीर प्रश्न किया हुआ है, ध्यान से सुने। उन्होंने कहा है कि हमने सुना है कि नवरात्रि में अष्टमी का व्रत गृहस्थ को नहीं करना चाहिए, इसका शास्त्रीय पक्ष क्या है बतलावें। तो देखिए, ये निषेध कहाँ है, पहले तो हम इस वचन पर बल देवें, देखें कि भाई ये वचन कहाँ है और कौन निषेध करता है, किस चीज का निषेध करता है। तो पता चलेगा कि इसमें गृहस्थ के लिए नहीं, पुत्रवान गृहस्थ के लिए निषेध किया गया है। जो पुत्रवान गृहस्थ हैं, अर्थात जिनको पुत्र है, वे लोग अष्टमी का उपवास नहीं करें, व्रत नहीं उपवास। तो व्रत और उपवास में भी अंतर होता है। देखिए, निर्णय सिंधु में ये वचन दिया गया है कि अष्टम्युपवासश्च पुत्रवता न कार्यः। अष्टमी का उपवास पुत्रवता माने पुत्रवान गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। तो ये वचन दे रहे हैं, उपवासम महाष्टम्याम पुत्रवान न समाचरेत यथा तथा वा पूतात्मा व्रती देवीं प्रपूजयेत। कह रहे हैं कि महाअष्टमी में, दुर्गाष्टमी में पुत्रवान उपवासम न समाचरे। पुत्रवान गृहस्थ यानी पुत्रवान कोई माता, पुत्रवती माता या पुत्रवान पिता, इनका व्रत नहीं करे, जैसे भी हो भगवती का पूजन करे। तो इससे ये लगता है क्या, फिर अगर कोई नवरात्र व्रत कर रहे हैं तो अष्टमी में भोजन करेगा और फिर जो है नवमी में फिर व्रत करेगा, एक दिन छोड़ देगा क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसे तो और भी गृहस्थों के लिए निषेध आए, पहले उसको देखें तो उससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक हमारे यहाँ वचन है महर्षि जैमिनी का कि आदित्य यानि संक्रांतौ ग्रहणे चंद्र सूर्ययो उपवासो न कर्तव्या पुत्रिणा ग्रहणा सदा। कह रहे हैं जैमिनी महाराज, आदित्य हनि यानी रविवार के दिन, रविवार का व्रत, संक्रांतव और रवि संक्रांति, प्रत्येक महीने में संक्रांति आती है, तो उस संक्रांति में और ग्रहणे चंद्र सूर्ययो, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में पुत्रिणा ग्रहिणा सदा उपवासो न कर्तव्य, उपवासो न कर्तव्य पुत्रिणा ग्रहिणा सदा। पुत्रवान गृहस्थ को सदा माने सर्वदा हमेशा कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए। ये लोग व्रत के लिए नहीं, उपवास की बात कर रहे हैं। तो वहां और यहां दोनों में समान निर्णय है। क्या निर्णय है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो है बतलाया है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि किंचित भुक्त्वा कारये, ये निर्णय है। क्या मतलब हुआ, देखिए, कोई भी उपवास है, उपवास का मतलब क्या है, उपवास का मतलब है कि कुछ भी नहीं खाना, केवल एक बार जल पीना है, और वो भी आपने यदि दिन में दो बार पानी पी लिया, जल दो बार पी लिया, तो वो उपवास उपवास नहीं रहता, टूट जाता है। असकृत जल पानाच्च असकृत तांबूल चर्वणात्, मना कर रहे हैं कि एक से दोबारा भी जल पी लिया तो जो है उपवास उपवास नहीं रहता। असकृत जल पानाच्च असकृत तांबूल चर्वणात् दिवा स्वप्नात् मैथुनाच्च, एक बार जो है छोड़ के दो बार जल पी लिया, असकृत जल पानाच्च असकृत तांबूल चर्वणात् उपवास उपवासो उपवास प्रदुष्येत दिवा स्वप्नात् मैथुनाच्च। दो बार जल पीने से, एक बार भी तांबूल आदि मादक पदार्थ खाने से, और दिन में दिवा स्वप्नात् दिन में सोने से,
और मैथुनाच्य और स्त्री प्रसंग आदि करने से, और उपवास प्रदुष्येता, वो उपवास जो है दूषित हो जाता है। इस दृष्टि से तो एक बार भी जो है जलपान कर लिया सो कर लिया, दोबारा तो पानी भी नहीं पीना है और तो कुछ खाना पीना ही नहीं है, उसको उपवास कहते हैं। तो पुत्रवान गृहस्थ को इन चीज के लिए छूट दे रहे हैं कि ये तो ऐसा व्रत करना हो तो ब्रह्मचारी करे, वानप्रस्थ करे, सन्यासी करे, पर गृहस्थ तो उस दिन कुछ खाए भी, कुछ खा करके पानी पी करके, खाने का क्या है, जो फलार आदि हम लेते हैं, जो हविष्यान्न जिसको कहा जाता, वो किंचित भुक्त्वा कारये, अर्थात रविवार का कोई व्रत गृहस्थ रहता है तो उपवास नहीं करना है, उस दिन कुछ खा करके व्रत करना है। संक्रांति में ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में भी इसी तरीके से व्रत बतलाया गया है, तो वहां भी ये सब कुछ खा करके ही व्रत करना है। तो इसी प्रकार ये नवरात्र में भी जैसे कोई अगर व्रत करे तो अष्टमी के व्रत में गृहस्थ को उपवास न रख करके कुछ खा करके और फिर जलपान करके व्रत करना चाहिए। तो ये जो है जैसे यहाँ बात कही गई है, उपवासम महाअष्टम्याम पुत्रवान न समाचरेत यथा तथा वा पूतात्मा व्रति देवीं प्रपूजयेत। तो इसका निर्णय यही है कि यहाँ कुछ लेकर के फिर व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। व्रत का मतलब तो होता है त्याग, किसी भी तरीके का कोई भी ले लिया कि हम आज ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ही नहीं, मौन व्रत हो गया, सत्य व्रत हो गया, इस तरीके से ये व्रत हैं। और उपवास की एक ही संज्ञा है, इस तरीके से उपवास को बतलाया गया है। एक बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जिन श्लोकों की अभी व्याख्या हुई है इसमें पुत्रवान गृही, पुत्रवान गृहस्थ की बात की गई है, तो यहाँ पुत्र शब्द से पुत्री का भी उपलक्षण समझा जाए, अर्थात किसी गृहस्थ के पुत्र है या पुत्री है, केवल पुत्री है या पुत्र और पुत्री दोनों हैं, या जो है केवल ही पुत्र पुत्र हैं, तो उन सबके लिए ये नियम मान्य होगा, अर्थात उन्हें सभी को किंचित भुक्त्वा व्रतम कारयेत, ये नियम सबको मानना चाहिए। हर हर महादेव।